हेलो दोस्तों, माय ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, माय ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं जो एक तुरई आती है, धारीदार वाली तुरई आती है, तो आज उसकी हम बनाते हैं भुजिया। तो चलिए आज हम बताते हैं कि उसकी छिकले की भुजिया किस तरीके से बनती है। दोस्तों देख लीजिए, ये जो छिकले की छिकला था हमने इसको काट लिया है बारीक, और काट के और इसको हम भुजिया बनाएंगे। धुल लिया है और काट लिया है काट के, और ये हमारा रहा लहसुन और मिर्चा। अगर आपको सादा खाना है तो मिर्चा मत डालिएगा। तो दोस्तों चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रही हमारी कढ़ाई, तो हम इसको जलाते हैं। दोस्तों हमारा चूल्हा जो है तो ऑटोमेटिक है, तो इसको हम जला लिए हैं। आप देख सकते हैं हमारा चूल्हा जल गया है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। तो दोस्तों हिसाब से ऑयल डालिएगा, जितना ज़रूरत हो उतना ही डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ये डाल लिया है। अब हमारा ऑयल जो है गर्म हो रहा है, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। दोस्तों ये देखिए हमारा ऑयल जो है तो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, इसको पका लेंगे अच्छे से। अब हम इसी में मिर्ची भी लगाएंगे। हम इसमें हल्दी भी लेंगे। स्वाद है अनुसार दोस्तों नमक भी लेंगे, जितना आपको चाहिए होगा उतना ही लेना, ज़्यादा मत लीजिएगा। तो अब दोस्तों हम इसको इसी में डालते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे मसाले में, ज़्यादा मसाला नहीं इसमें पड़ता है, ज़्यादा मसाला मत डालिएगा। तो दोस्तों अब हम इसको धीमी आंच करके एकदम लो मीडियम में पकाना, नहीं तो ये जल जाएगा। हमको हल्का ही लो मीडियम बनाना है, गैस लो कर दीजिएगा, नहीं आपकी सब्जी जो है तो ये भुजिया जल जाएगी। तो दोस्तों हम इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। अब हमारा ये पक रहा है, इसको हम पकने देते हैं थोड़ी देर। तो दोस्तों इसको थोड़ी थोड़ी देर में डुलाते रहिएगा, नहीं तो ये जल जाएगा, क्योंकि भुजिया है इस वजह से इसको थोड़ी थोड़ी देर में डुलाना पड़ेगा, नहीं तो ये जल जाएगा। तो दोस्तों अभी हम इसको और थोड़ी देर पकने देते हैं, तो हमारा अच्छे से जो है तो ये पक जाएगा। हम इसको ढक देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा पक चुका है। अब हम गैस जो है तो बंद कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं। बाहर हो गया है,
दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा ये गोल्डन हो गया है। और ऐसे ही बनाना दोस्तों। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा।